आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मोमेंट का चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ेंगे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें जो मेन करेक्टर है वो है ईश्वरन और दूसरा है महेंद्र, जिसमें जो कहानी सुनाने वाला है वो मेनली कौन है? ईश्वरन। ईश्वरन की कहानी सुनाने का जो तरीका है वो बहुत ही रोमांचक है और वह महेंद्र को हर बार कहानियां सुनाता रहता है। ईश्वरन महेंद्र का एक रसोईया है। जहां भी ईश्वरन जाता है, महेंद्र और ईश्वरन दोनों साथ ही रहते हैं। इसी कहानी में हम ईश्वरन की जो कहानी सुनाने की कला है उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार वो कहानियां सुनाता है और महेंद्र को हमेशा ही उसका साथ देता है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। स्टोरी, ये जो कहानी है, वो गणेश को एक युवा आदमी महेंद्र, जिसका नाम था, के द्वारा सुनाई गई थी। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो किसमें है? देखो, पैसिव वॉइस में है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये है, ये सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में है। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। वह एक फर्म में, दैट मीन्स एक व्यावसायिक संघ में, कनिष्ठ निरीक्षक था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, जो कि विभिन्न प्रकार की, वेरियस टाइप ऑफ, विभिन्न प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, निर्माणाधीन साइट्स होती है, जैसे कि फैक्ट्रीज, ब्रिज, पुल, डैम, बांध, इसी प्रकार की जो अन्य साइट्स होती हैं, उनके लिए सुपरवाइजर होते हैं, उन निरीक्षक होते हैं, वह किराए पर उपलब्ध करवाता था। महेंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम, जो भी काम चल रहा होता था किसी भी साइट्स पर, किसी भी कार्य स्थल पर, उन पर कीप एन ऑन आई, उस पर नजर रखनी होती थी महेंद्र को कि कहाँ क्या काम कितना चल रहा है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑफर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। और उसके जो भी मुख्य कार्यालय द्वारा उसको आदेशित किया जाता था, उसी के अनुसार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको जाना पड़ता था। फ्रॉम ए कोयल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कोयले की खान के स्थान से उसे रेलवे के जो कंस्ट्रक्शन साइट होती थी, निर्माणाधीन स्थल होता था, जहाँ पुल बन रहा होता था, वहां जाना होता था। फ्रॉम अदर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। और फिर वहां से कोई रासायनिक संयंत्र, जहां पर उसके कई महीनों बाद रासायनिक संयंत्र के प्लांट पर जाना होता था, जो कि आसपास ही कहीं पर, विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं पर चल रहा होता था। ही वॉज अ बैचलर। अब महेंद्र के बारे में बताया गया है, अब उसके बारे में डिटेल आएगी। ही वॉज ए बैचलर, वह अविवाहित था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं सिंपल थी, साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। और वह अपने आप को विषम परिस्थितियों में भी एडजस्ट करने में, यानी सामंजस्य बिठाने में वो काबिल था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, या चाहे वो बिना सुविधाओं वाला विश्राम गृह हो, और अ मेक शिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, और या फिर पत्थर की खान के बीच में कोई काम चलाऊ। मेक शिफ्ट होता है काम चलाऊ, कैनवस मीन्स मोटा कपड़ा होता है, तिरपाल भी कह सकते हैं, कि पत्थर की खान के बीच में एक काम चलाऊ तिरपाल का टेंट हो, वहां भी वह रह सकता था। बट वन असिस्ट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसकी एक असिस्ट होता है संपत्ति, लेकिन यहाँ पर निकल रहा अर्थ, एक विशेष व्यक्ति था जो कि उसका कुक था, रसोईया था, जिसका नाम क्या था? ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट
अटैच्ड टू महेंद्र, ये जो रसोईया था वह महेंद्र से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से अटैच्ड था, जुड़ा हुआ था, एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। जहां भी उसकी पोस्टिंग होती थी, नियुक्ति होती थी, वह बिना किसी शिकायत के उसके साथ वहां जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मालिक के साथ बातें करता था। ही कुड वेव, यहाँ पर है वीव, बुनाई करना। ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस वेरिड सब्जेक्ट्स। वह उसमें एक विशेष योग्यता यह थी कि वह अंतहीन कहानियां और किस्से अलग-अलग सब्जेक्ट पर, विषयों पर वो बना सकता था, मतलब अपने आप ही बना लेता था, वो बिना कहीं पढ़े अपने दिमाग से वो कहानियां तुरंत बना लेता था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नाउवेयर इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेटेड लैंडस्केप विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। ईश्वरन में एक विशेष प्रकार की योग्यता थी, वो क्या थी कि वह ऐसे उजाड़ स्थान से भी जहां मीलों दूर तक कोई भी आबादी वाला अथवा किसी दुकान का कोई नामोश निशान भी नहीं होता था, वहां से भी वह सब्जियां और जो कुकिंग में, भोजन बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए, सामग्री चाहिए, वो लेकर आ जाता था। ही वुड मिरेकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड अप विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। वह अपने नए जो जस्ते की चद्दर से बना हुआ शरण स्थल होता है, वहां पहुंचने के, जो नया स्थान होता था, वहां पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही बहुत ही स्वादिष्ट भोजन ताजी सब्जियों के साथ आश्चर्यजनक रूप से बनाकर प्रस्तुत कर देता था। मिरेकुलसली होता है आश्चर्यजनक रूप से, कंजर अप होता है प्रकट कर देता था या फिर प्रस्तुत कर देता था। यह ईश्वरन की विशेषता बताई गई है कि वह नए स्थान पर भी 1 घंटे के अंदर अच्छा भोजन बनाकर तैयार कर देता था। महेंद्र वुड भी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और दोपहर का नाश्ता करने के बाद अपना काम पर चला जाता, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ जो भी भोजन तैयार होता था उसको लेकर वह अपने काम पर चला जाता था। मीनवाइल इसी समय ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, ईश्वरन अपने जो छप्पर होता था, जो उनका शरण स्थल होता था, उसको साफ करता, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता, एंड हैव ए लेजर बाथ पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और कई बाल्टियां अपने सिर पर गेरता हुआ, उंडेलता हुआ वह आराम से नहाता, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। इसी दौरान वह एक प्रार्थना भी मटर करता था, बुदबुदाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इतने में उसके दोपहर के भोजन का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, दोपहर की झपकी लेने से पहले वह कुछ पढ़ता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, वह किताब प्राय एक प्रसिद्ध तमिल रोमांचक उपन्यास होता था जो कि कई हजारों पन्नों का होता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरोसिस वुड हैव ईश्वरन इन थ्रेल, इसका जो काल्पनिक चित्रण होता था और वर्णात्मक जो चित्रण होता था, प्रस्तुतिकरण होता था, जो उसकी फ्लोरोसिस अलंकृत भाषा होती थी, वह ईश्वरन को थ्रेल करती थी, सम्मोहित करती थी। हिज ऑल डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, उसके जो खुद के वर्णन होते थे वो मुख्य रूप से तमिल
लेखकों से प्रभावित होते थे दैट ही रीड जिन्हें की वह पढ़ता था। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, जब वह किसी छोटी घटना, इंसिडेंट क्या होता है घटना, को भी जब बताता था, नरेट करता था, वर्णन करता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, वह इसे एक रहस्य में डालने की कोशिश करता, एंड ए सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट, और इसका जो वर्णन होता था उसको एक सरप्राइज करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला अंत बना देता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट, यह कहने की बजाय कि ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि उसने राजमार्ग पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, ही वुड से, वह कहता, विद आईब्रो सूटेबली आर्क्ड, अपनी आईब्रो को, भौहों को उचित रूप से ऊपर उठाते हुए, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने जो हाथ होते थे उसको नाटकीय जेस्चर होते हैं, हाव भाव से हिलाते हुए कहता, द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क सुनसान थी, आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मैंने एक चीज देखी, दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, एक बहुत ही विशाल काय, घने बालों वाला जानवर जो कि सड़क पर पसरा हुआ पड़ा था, आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मैं वापस लगभग मुड़ने वाला ही था, बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं नजदीक गया, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज अ फॉलन ट्री, यह गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी की सूखी शाखाएं फैली हुई थी, महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, महेंद्रा अपनी जो कैनवास की कुर्सी होती थी उस पर अपने आप को स्ट्रेच करते हुए, फैलाते हुए पीछे होकर बैठ जाता, और ईश्वरन की जो कहानियां होती थी वो बिना किसी आलोचना के, अनक्रिटिकली, बिना किसी आलोचना के सुनता रहता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, वह स्थान जहाँ से मैं आया हूँ वह इमारती लकड़ी के लिए फेमस है, टिम्बर होता है इमारती लकड़ी, ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन शुरुआत करता, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ पर घने पेड़ों वाला जंगल चारों तरफ है, रिचली वुडेड होता है घने पेड़, द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लोरीज बाय एलिफेंट्स, लकड़ियों के बड़े लट्ठे हाथियों द्वारा गाड़ियों में ढोए जाते हैं, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, वे विशाल हस्ट पुष्ट जानवर हैं, व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब वे पागल हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, यहाँ तक कि अनुभवी महावत भी उनको नियंत्रण में करने में असमर्थ होते हैं, महावत जो हाथियों को रखते हैं उनके लिए है। आफ्टर दिस प्रोलोग, इस भूमिका के पश्चात, ईश्वरन वुड लॉन्च इन टू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, इस भूमिका के पश्चात ईश्वरन एक विस्तृत किस्सा हाथियों को शामिल करते हुए शुरू करता। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक दिन एक टस्कर यानी के नर हाथी इमारती लकड़ी के यार्ड से, बाड़े से भाग गया। टस्क वैसे तो होते हैं हाथी दांत, हाथियों जो के जो दांत होते हैं वो नर हाथी में ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर यूज किया है टस्कर, एंड बिगेन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी इच्छा के अनुसार वह झाड़ियों को उखाड़ता हुआ, जो जंगली बेल बूटे हैं उनको उखाड़ता हुआ, शाखाओं को तोड़ता हुआ इधर उधर घूमना उसने प्रारंभ कर दिया। यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, कि एक हाथी किस प्रकार व्यवहार करता है, व्हेन इट गोज
मैड जब वह पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट्स ऑफ हिज ओन स्टोरी, ईश्वरन अपनी खुद की ही कहानी में इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वह फर्श पर खड़ा हो जाता एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और वह एक पागल हाथी की नकल करते हुए फर्श पर पैर पटकते हुए जंप करने लगता, उछलने लगता। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स एंड ही वुड कंटिन्यू, वह कहना जारी रखता कि हाथी कस्बे में बाहर पहुंच गया, आउटस्कर्ट्स होता है बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, जो वहां पर उसके बाड़े की दीवारें हैं उनको फेंसेस कहते हैं, बाड़ कह सकते हैं, जो कि कई बार कांटों की भी बनी हो सकती है, सूखी झाड़ियों की भी बनी हो सकती है, उसके लिए कहा है कि बाड़ को माचिस की तिल्लियों के जैसे तोड़ते हुए हाथी कस्बे में बाहर की तरफ पहुंच गया। He came into the main road, वह मुख्य सड़क पर आ गया and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes, और उसने सभी फलों की दुकानें, मिट्टियों के बर्तन और कपड़ों की दुकानों को कुचल डाला। People ran helter skelter in panic, लोग घबराए हुए इधर उधर भागने लगे। The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. Brick wall, ईंटों की दीवार को कहा है कि ईंटों की दीवार को तोड़ता हुआ हाथी एक स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गया जहां पर कि बच्चे खेल रहे थे। All the boys ran into the classrooms, सभी बच्चे दौड़कर कक्षाओं में चले गए and shut the doors tight, और दरवाजों को कस के बंद कर लिया। The beast grunted, वह जानवर चिंगाड़ा and wandered about pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, और वह पशु चिंगाड़ता हुआ इधर उधर घूमने लगा और उसने फुटबॉल के जो गोल का पोल होता है उसको खींच कर बाहर निकाल दिया और वॉलीबॉल ग्राउंड की नेट होती है उसको फाड़ दिया। Kicking and flattening the drum kept for water, और जो पानी के लिए एक ड्रम रखा हुआ था उसको पैरों से मारा और उसको चपटा कर दिया, फ्लैट कर दिया। And uprooting the shrubs, और झाड़ियों को भी उखाड़ दिया। Meanwhile, इसी बीच all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, उसी समय जो सभी शिक्षक थे उस स्कूल के वो स्कूल के भवन के ऊपर छत पर टेरेस पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर, वहां से दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वहां पर वो निसहाय हुए हुए ऊपर से हाथी की जो विनाश लीला थी उसको देखते रहे। देयर वॉज नो सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, मैदान में कोई भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सभी जो गलियां थी मार्ग थे वो खाली हो गए थे। एज इफ, जैसे कि द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर, कि उस कस्बे के जितने भी संपूर्ण इनहेबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, वो अचानक ही डिसअपीयर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं जूनियर कक्षा यानी छोटी कक्षा में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत पर से मैं पूरा जो नाटक था वो देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, मैं नहीं जानता अचानक मेरे क्या विचार आया। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने एक शिक्षक के हाथ से एक कैन छड़ी झपटी एंड रेन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन, और सीढ़ियों से दौड़कर खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी चिंगाड़ा एंड
menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. और अपनी सूंड में, ट्रंक कहते हैं सूंड को, कि अपनी सूंड में जो उसने एक पेड़ की शाखा को पकड़े हुआ था, उसे बहुत ही मेनसिंगली खतरनाक तरीके से स्वंग किया, घुमाया. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैर पटके, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और अपने पैर से बहुत सारा कीचड़ और मिट्टी उड़ाई. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वह बहुत ही खतरनाक दिख रहा था. बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड, मैं छड़ी हाथ में लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, लोग पास के ही घर की छतों से मुझे सुदबुद खोकर, हिप्नोटाइज यानी बिना कुछ उनको पता हुए सुनने हुए मुझे देख रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने मुझे लाल आंखों से देखा, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और मेरे की तरफ बढ़ने को तैयार ही था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इसने अपनी सूंड उठाई, एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और जोर से चिंगाड़ा. एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा. मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हुए विट इट थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और जल्द ही उसके पैर की तीसरी नाखून पर मैंने जोर से मारा. द बीस्ट लुक्ड स्टंट फॉर अ मोमेंट, वह जानवर एक क्षण के लिए भौचक्का रह गया. देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और वह सिर से पैर तक फिर कांपने लगा. एंड कॉलेप्स्ड, और वह गिर गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इस क्षण इसे यहाँ तक पहुँचने तक ईश्वरन कहानी को अधूरा छोड़ देता. एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाते हुए खड़ा हो जाता. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं गैस जलाकर और भोजन गर्म करके वापस आता हूँ. महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. महेंद्र जो कि कहानी को पूरे rapt attention, ध्यानमग्न होकर सुन रहा था, would be left hanging. वो अनिश्चितता की स्थिति में रह जाता. When he returned, जब वह लौटता, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. ईश्वरन कहानी को उस स्थान से, उसी तरीके से नहीं शुरू करता जहां से उसने छोड़ा था. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ता, रिमाइंड करवाना पड़ता था कि जो कंक्लूजन है, समापन है, अभी भी शेष है. वेल, अच्छा, अ वेटनरी डॉक्टर वाज समंड टू रिवाइव द एनिमल, एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया उस जानवर को होश में लाने के लिए, मतलब हाथी को होश में लाने के लिए एक डॉक्टर बुलाया गया. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन अपने कंधों को उचकाते हुए बोलता. टू डेज लेटर, दो दिनों बाद, इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, दो दिन बाद इसके महावत के द्वारा उसे जंगल में ले जाया गया. वेल, अच्छा, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, ये बताओ तुम इसको कैसे मैनेज करते हो ईश्वरन. हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने किस प्रकार उस जानवर को नीचे गिराया, महेंद्र ने पूछा था. इट हैज समथिंग टू डू विद अ जैपनीज आर्ट आई थिंक सर, मैं सोचता हूँ श्रीमान यह एक प्रकार की जापानी कला है, कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड, यह कराटे या जूजित्सु कहलाती है. I had read about it somewhere. मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. आप जानते ही हैं कि यह तंत्रिका तंत्र को अस्थायी रूप से सुन्न कर देती है. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था जो ईश्वरन की कहानियां
साहसिक कार्यों, डर या फिर रहस्य से भरी हुई कहानियां वो नहीं सुनाता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी विश्वसनीय हो या फिर नहीं, महेंद्र एंजॉयड लिस्टिंग टू इट। महेंद्र इसको सुनने में पूरा आनंद लेता बिकॉज ऑफ द इन इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, कि जिस प्रकार के अनूठे तरीके से यह कहानी सुनाई जाती थी वह उसका आनंद लेता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर। ऐसा प्रतीत होता था कि जो महेंद्र के क्वार्टर में टीवी की जो कमी थी उसको वो पूरा करता था। कौन? ईश्वरन। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड। एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहा था तब ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट, क्या मैं आज रात्रि के भोजन के लिए कुछ विशेष बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आखिरकार आज एक पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपराओं के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स टुडे सर। श्रीमान, आज ही के दिन हम अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए विभिन्न स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। उस रात महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्लेनरी स्किल। और महेंद्र ने उसकी जो पाक कला है उसके लिए उसको कॉम्प्लीमेंट भी दिया, उसकी तारीफ भी की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश प्रतीत हो रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, लेकिन उसने भूत प्रेतों को शामिल करते हुए एक कहानी, बहुत भड़कीली कहानी उसने शुरू कर दी। यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बेरियल ग्राउंड। जिस क्षेत्र में ये फैक्ट्री है उस समय एक टाइम में कब्रगाह हुआ करती थी, कब्रिस्तान हुआ करती थी। ही स्टार्टेड, उसने प्रारंभ किया। महेंद्र वॉज जग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग डिनर। महेंद्र जो एक स्वादिष्ट भोजन करने के बाद बहुत ही अच्छे स्वप्न में खोया हुआ था, अचानक से अपने सपने से जग्ड आउट, बाहर निकल गया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैं यह पहले दिन ही जान गया था। व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, जब मैंने रास्ते में एक मानव की खोपड़ी पड़ी हुई देखी। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, यहाँ तक कि अभी तक मैं बहुत सी संख्या में मानव की हड्डियां और कंकाल देख चुका हूँ, खोपड़ियां देख चुका हूँ। ईश्वरन कंटिन्यू, ईश्वरन ने जारी रखा। ही वेंट ऑन टू नरेट, वह अपना किस्सा जारी रखता, हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, कि किस प्रकार उसने रात में भूत भी देखे थे। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, श्रीमान मैं इस तरह की चीजों से सामान्य रूप से डरने वाला नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ ए वुमेन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, लेकिन फुल मून होता है पूर्णिमा की रात, लेकिन पूर्णिमा की रात आधी रात में कभी कभी दिखाई देने वाला एक महिला का भयानक भूत। इट इज एन अगली क्रीचर विद मेटेड हेयर एंड श्रिवल्ड फेस, जिसका कि उलझे हुए बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, वह भद्दा प्राणी, लाइक ए स्केलेटिंग होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स, एक प्रकार का कंकाल जिसने अपने हाथ में भ्रूण पकड़ा हुआ था। महेंद्र शिवड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र इस वर्णन से कांप उठा एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, और
तीखेपन से उसने बीच में उसको इंटरप्ट किया, उसको रोका। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन, दे आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, किसी भी प्रकार का भूत या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, यह तुम्हारी सिर्फ कल्पना मात्र ही है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, जाके अपना पाचन तंत्र चेक कराओ, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सके तो अपना दिमाग भी चेक कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, वह कमरा छोड़ के चला गया, एंड रिटायर्ड फॉर नाइट, और सोने चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, यह आशा करते हुए कि 2 दिनों तक ईश्वरन रूठा रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज सियरफुल एंड टॉकेटिव एज एयर एवर, लेकिन रसोईया पहले से जितना ही खुश और बातूनी दिख रहा था, यह देखकर महेंद्र बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। फ्रॉम दैट डे ऑन, महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। उस दिन से महेंद्र अपने सभी बहादुरी के कारनामों के बावजूद जब भी सोने जाता, उसमें एक अजीब सी बेचैनी होती। एवरी नाइट ही पीयर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। प्रत्येक रात अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की से वह अंधेरे में बाहर झांकता, ट्राइंग टू मेक श्योर, और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता दैट देयर वॉज नो मूवमेंट एट डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, कि अंधेरे में आसपास कोई भी काली आकृतियों की मूवमेंट या हलचल नहीं हो रही है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, वह सिर्फ अंधेरे का समुद्र ही देख पाता। यहाँ देखिए, सी और सी दो यूज हुए हैं, SEE, देखना, और SEAC मीन्स होता है समुद्र। दोनों की प्रोनंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है, मीनिंग में तो है ही। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स एट द फैक्ट्री माइल्स अवे, सिर्फ अंधेरे में ही फैक्ट्री की जो लाइट्स थी वो दूरों तक चमकती हुई दिखाई देती थी, और कुछ नहीं दिखाई देते था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, उसे पूर्णिमा की रात को सफेद जो भू होती थी, यानी सफेद जो लैंड होती थी, जो चांद की रोशनी में जमीन होती थी, उसको प्रशंसा करना उसे बहुत पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन भूतनी की कहानी सुन ईश्वरन की भूतनी की कहानी सुनने के बाद, ही अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर वेन द मून वॉज फुल, लेकिन उस दिन के बाद से उसने पूर्णिमा की रात को खिड़की से बाहर देखना ही बंद कर दिया। वन नाइट, एक दिन महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र अपनी खिड़की के पास से ही हल्की विलाप करने की आवाज सुनकर वह जाग गया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड द माइस, पहले उसने ये सोचा कि कोई बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है, इस वजह से ये आवाज हो रही है। बट द साउंड वॉज टू गटर्ड फॉर अ कैट, लेकिन ये जो साउंड थी वह किसी भी बिल्ली की तो हो ही नहीं सकती थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसने बाहर देखने की जो उसी उत्सुकता थी उसको अपने रोका। लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, उसे यूं लगा कि वो ऐसा कोई भी दृश्य देख सकता है जिससे उसके हृदय की गति ही रुक जाए। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फीलाइन, लेकिन जो विलाप था वो और तेज होने लगा और बिल्ली से भी अलग होने लगा। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, वह अब अपने जो उसके बाहर देखने का जो मोह था उसको वह अब ज्यादा रोक नहीं सका। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, अपने आप को खिड़की की चौखट तक झुकाते हुए
ही लुकड आउट एट द व्हाइट शीट ऑफ द मूनलाइट आउटसाइड। उसने चांद की रोशनी को उस बाहर उस सफेद चद्दर को उसने देखा। देर नॉट टू फार अवे पास ही में वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लंचिंग अ बंडल। उसने धुंधली सी एक आकृति एक गठरी लिए हुई देखी। महेंद्र ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट। महेंद्र डर से पसीने पसीने हो गया एंड फेल बैक ऑन द पिलो पांटिंग और हांफते हुए अपने तकिए पर गिर पड़ा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ। धीरे धीरे जैसे ही उसने अपने आप को इस जो भयानक अनुभव से रिकवर करने की कोशिश की सुधारने की कोशिश की वह अपने आप से ही उसने वह तर्क करने लगा एंड फाइनली कंक्लूडेड। अंत में वह इस तर्क पर पहुंचा दैट इट मस्ट हैव बीन सम शॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन कि अवश्य ही यह उसके मन की कोई कल्पना होगी सम ट्रिक या फिर कोई चाल होगी दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम जो कि उसके अवचेतन मन ने उसके साथ चली होगी। By the time he had got up in the morning, सुबह जब वह सोकर उठा, he had a bath, नहा लिया जब वह, and come out to have his breakfast, और अपना नाश्ता करने के लिए बाहर आया, the horror of the previous night had faded from his memory. पिछली रात का जो भय था, उसकी जो याददाश्त थी, उससे फीका पड़ गया था, यानी वो लगभग वो पिछली रात का डर था, उसे भूल चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन ने उसे दरवाजे पर ही उसका दोपहर के भोजन का पैकेट और उसका बैग पकड़ाते हुए उसे अभिवादन किया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट जैसे ही महेंद्र ने पैर बाहर रखा ईश्वरन ग्रिंड ईश्वरन ने एक दुष्टता वाली हंसी हंसी एंड सेड और कहा सर रिमेंबर द अदर डे आपको वो दिन याद है व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म जब मैंने आपको बताया था कि एक भूतनी जो कि अपने हाथ में भ्रूण लिए हुए थी यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स आप मेरी काल्पनिक चीजों पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हुए थे वेल अच्छा यू सा हर सेल्फ लास्ट नाइट आपने खुद ही उसको पिछली रात देख लिया आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम जो विलाप करने की आवाज आपके कमरे से आ रही थी मैं उसको सुनकर भाग कर आपके कमरे में आया था अचिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन स्पाइन होता है रीढ़ की हड्डी एक डर की लहर महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस उसने ईश्वरन को अपने जो वाक्य है वो पूरा करने तक के लिए वह वहां नहीं रुका ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस वह तुरंत ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे और उसने निश्चय कर लिया कि वह इस भूत वाले स्थान को अगले ही दिन छोड़ देगा और उसने तुरंत अपना त्याग पत्र दे दिया इसी के साथ ये हमारी कहानी खत्म होती है इस कहानी में रोमांच भी है थ्रिल भी है और किसी के कहानी सुनाने की कला भी है कि किस प्रकार वो किसी को भी कहानी में मंत्रमुग्ध कर सकता है क्या आपको लगता है वास्तव में महेंद्र ने कोई भूत देखा था या फिर ये कोई ईश्वरन की चाल थी अगर आपको आंसर मिले तो कमेंट इन सेक्शन Thank you.